कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, सरदार हूँ मैं लश्कर का। मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, सरदार हूँ मैं लश्कर का। शब्बीर मेरा आका है, मैं बेटा हूँ हैदर का। मसलक में वफादारी है, मनसब में अलमदारी है। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। जहरा ने कहा है बेटा, है सारे अरब में चर्चा। शब्बीर के दिल की ताकत हूँ, चांद बनी हाशिम का। मैं कर्बला का हैदर, जिब्रील बचा। और अकीदे की तरीन जरूरी है। और अगर आप गौर फरमाएं
तो अब इन अकायद को तहफ़ुज़े आमाल का ज़रिया करार दिया गया। और यूँ इस्लाम बहुत से अकायद का नाम है, किसी एक अकीदे को इस्लाम नहीं कहते, लेकिन तीन अकीदे ऐसे हैं जो बुनियादी अकीदे हैं और तमाम तर अकायद इन्हीं तीन अकायद से वाबस्ता हैं। एक अकीदा तौहीद का अकीदा है कि अल्लाह एक है, न कोई उससे है न वो किसी से है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा, अकीदा तौहीद। दूसरे अकीदा नबुव्वत के अल्लाह के भेजे हुए नबी मासूम होते हैं, मासूस मिन अल्लाह होते हैं, खताओं और गुनाहों से महफूज होते हैं, उनसे खता या नसीान नहीं हुआ करता। और तीसरे अकीदा विलायत जनाब अमीर अल-मोमिनीन, ये तीन अकीदे, बाकी कयामत का अकीदा और अदालत का अकीदा और शफात का अकीदा और जन्नत के अकीदा और सब्र का अकीदा, ये जितने अकायद हैं ये सब इन्हीं अकीदे से, इन्हीं अकायद से रिलेटेड हैं, इन्हीं अकायद की शाखें हैं। वरना बुनियाद ये तीन अकीदे हैं, एक अकीदा तौहीद, एक अकीदा नबुव्वत और एक अकीदा विलायत। जनाब अमीर अल-मोमिनीन खलीफा बिला फस्ल हैं, उनमें और पैगंबर के बीच में कोई फासला नहीं है, वो मासूम हैं, इमाम हैं और नबुव्वत और तौहीद के इकरार के साथ लाजिम है कि इकरार विलायत जनाब अमीर अल-मोमिनीन किया जाए। और जैसे आलम अरवाह में इकरार तौहीद कराया गया, इकरार नबुव्वत कराया गया, वैसे ही आलम अरवाह में इकरार विलायत भी कराया गया। तो ये तीन अकीदे बस मुतवज्जे हो जाएं, अकीदा नबुव्वत, अकीदा तौहीद, अकीदा नबुव्वत और अकीदा विलायत, ये तीन अकीदे बुनियादी अकीदे हैं। और तीन बीमारियां ऐसी हैं जो इन तीन अकायद को खराब करती हैं। उसमें एक शिर्क है, एक कुफ्र है, एक निफाक है। बुनियादी अकीदे भी तीन और बीमारियां भी तीन, इसमें एक शिर्क की बीमारी है, एक कुफ्र की बीमारी है, एक निफाक की बीमारी है। शिर्क वो वायरस है जो अकीदे तौहीद को खराब करता है, कुफ्र वो वायरस है जो अकीदे नबुव्वत को खराब करता है, निफाक वो वायरस है जो अकीदे विलायत को खराब करता है। शिर्क कहते हैं अल्लाह को मानने के बाद किसी को उसमें शरीक मानना। मुशरिक अल्लाह के मामले में सही अकीदा नहीं रखता। काफिर उसे कहते हैं जिसका अकीदा नबुव्वत खराब होता है या नबुव्वत पर अकीदा नहीं होता। और मुनाफिक उसे कहते हैं जिसका विलायत पर अकीदा नहीं होता। बहुत तवज्जो सुनिएगा, मुशरिक वो जिसके पास अकीदा तौहीद न हो, काफिर वो जिसके पास अकीदे नबुव्वत न हो। देखिए, काफिर अकीदे तौहीद का दुश्मन नहीं होता, अकीदे नबुव्वत का दुश्मन होता है। मेरे पास दलील है और वो दलील इबलीस की मिसाल है कि इबलीस ने नबी का इनकार किया तो काना मिनल मुश्रिकीन नहीं कहा गया, काना मिनल काफिरीन कहा गया। मुसलमान होने की पहचान नहीं है, मुशरिक न होने की पहचान। अल्लाह एक है, ये मुसलमान होने की पहचान है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहचान है मुशरिक न होने की। मोहम्मदुर रसूलल्लाह पहचान है काफिर न होने की। बहुत तवज्जो सुनिएगा, बर्दाश्त करो, फिर से सुन लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पहचान है मुशरिक न होने की।
मोहम्मद रसूल अल्लाह पहचान है काफिर न होने की, तो अगर कोई हमसे पूछे कि तुम मुश्रिक तो नहीं, तो जवाब क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने। कोई पूछे मुश्रिक तो नहीं, जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई पूछे काफिर तो नहीं, जवाब है मोहम्मद रसूल अल्लाह। और कोई पूछे मुनाफिक तो नहीं, पकड़ा जाता है वहां जहां अली वलीउल्लाह का महल होता है, जहां इनायत जनाब अली का दीदार होता है। अब खबर में जाएंगे, नकीरैन पूछेंगे मुश्रिक तो नहीं, सर्टिफिकेट दिखाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछेंगे तुम काफिर तो नहीं, मोहम्मद रसूल अल्लाह मुनाफिक तो नहीं, अली वलीउल्लाह होता तो सुनिएगा। जहां मुझे लाना है आपको, अली वलीउल्लाह पहचान है कि हम मुनाफिक नहीं। मुनाफिक किसे कहते हैं? इनकार तौहीद करने वाला मुनाफिक नहीं, इनकार नबूवत करने वाला मुनाफिक नहीं, इनकार विलायत करने वाला है मुनाफिक। मगर नबी ने अली के दुश्मन को सिर्फ मुनाफिक नहीं कहा, का या अली बुग़्ज़ुका कुफ्रन व निफ़ाक़ और अहम बात मुझे याद करना है, ए अली तेरा दुश्मन मुनाफिक है। खाली ये नहीं कहा, पहले काफिर कहा फिर मुनाफिक कहा। काफिर कहते हैं नबी के दुश्मन को, सही में है आपके, मुश्रिक कहते हैं खुदा के दुश्मन को, काफिर कहते हैं नबी के दुश्मन को, मुनाफिक कहते हैं अली के दुश्मन को। तो कहना तो ये चाहिए था कि अली का दुश्मन मुनाफिक होता है, मगर खाली मुनाफिक नहीं कहा, कहा अली का दुश्मन काफिर भी मुनाफिक भी। हालांकि अली नबी नहीं है, नबी का दुश्मन काफिर होता है। नहीं आप बेदाग नहीं हो पा रहे, ऐसा लगा दावा लगा।
अली को देख के तुम वही नजर आए तो इतना दुश्मन मुनाफिक हो, अगर इनको देखने से आदम भी याद आते हैं, नूह भी याद आते हैं, मूसा भी नजर आते हैं, ईसा भी नजर आते हैं, अब जो गदीर में नबी ने अली को हाथों पर उठाया तो नबी के हाथों पर से वली नहीं है, नबी के हाथों पर आदम का इल्म भी है, नूह का दुश्मन भी है, मूसा की हैबत भी है, ईसा का दुश्मन भी है, इब्राहिम की कुल्लत भी है, यूसुफ का जवाल भी है, अय्यूब का दरवाजा भी है। तो गदीर में नबी के हाथों पर खुद नबी ने फरमाया कि जिसे नबियों की सिफतें देखना हो वो एक अली को देख ले। तो जिसने अली को देखा, जिसने अली को माना, उसने आदम को माना, नूह को माना, मूसा को माना, ईसा को माना, और जिसने अली का इनकार किया, आदम के इल्म का इनकार किया,
पूरे बारात में क्या था, सिर्फ इतना सा हुक्म था कि मुशरिकों से कहो कि अब जमीन काबा पर कदम न रखें, अब हरम में खुदा के करीब ना आए। इतनी सी बात थी कि अल्लाह ने कह दिया था कि मुशरिकों से कहो कि मेरे घर में ना आए, तो इतनी सी बात कोई और कह देता। इसके लिए इतना बड़ा इंतजाम कि किसी को पलटाया जाए, अली को भेजा जाए, आवाज आए कि हर एक को हर एक के घर में रोकने का इख्तियार नहीं होता। तो एजू भाई का घर है, मैं मजलिस पढ़ने आया हूँ, मैं मोमिनीन आ रहे हैं, अदादार आ रहे हैं, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मैं चैनल पर खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं साहब मैं मना करता हूं, ना आप आएंगे ना आप आएंगे ना आप आएंगे ना आप आएंगे, आप कहेंगे आप कौन होते हैं रोकने वाले। मैंने कहा मैं जाकिर हूं, कहा वो अपनी जगह, मगर इतना इख्तियार आपको किसने दे दिया, ना दोस्त रुके ना अजीज, ना मोमिनीन रुके ना अदादार। इतने में घर से एक बच्चा निकला, उसने कहा मैं मना करता हूँ कोई अंदर ना आए, दोस्त भी रुक गए, अजीज भी रुक गए, रिश्तेदार भी रुक गए। मैंने कहा साहब ये क्या मामला है, मैं रोकता रहा कोई ना रुका, बच्चे भी रोका सब रुक गए, का इतना सा सेंस नहीं है, आप बाहर वाले हैं ये घर वाला है, आप बाहर वाले ये घर वाला है, हमारे पास बाहर वाले को रोकने का हक नहीं होता, घर वाले को रोकने का हक होता है। सहाबी को पलटाया, अली को भेजा, बताया वो काबे के बाहर चक्कर लगाता है, बाहर वाला है, अली काबे में पैदा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि तौहीद मक्के में आई हो, नबूवत मदीने में आई हो,
बिलाल कदीर बिलाल हो, नई चीज सुना शिया में ला इलाह इल्लल्लाह, वही मोहम्मद रसूल अल्लाह, वही अली अल्लाह। और सुनिए, भाई मुझे बताएं, मक्के में नमाज 17 रकात क्यों न थी? कहा वहां माहौल साजगार न था, अजान क्यों न हुई मक्के में? माहौल साजगार न था, हुक्म ज़कात क्यों न आया? माहौल साजगार न था। इसका मतलब आमाल के लिए, चाहे जैसा समझेगा, आमाल के लिए माहौल देखा जाता है, अकीदे के लिए माहौल खुदा मुस्तफा जिब्रील बाजू नाज़िल।
शिया फकीह थे, शिया मुहद्दिस थे, मौलाना रोम अहले सुन्नत, क्या कहा? मन अनीरा दोस्तारा खर्च गोयर राजी, क्या मैं अली को चाहता हूँ दुनिया मुझे राजी कहती है, बस खुदाओ मुस्तफा जिब्रील बाशद राजी। मौलाना रोम कह रहे हैं कि अगर अली का चाहने वाला राजी होता है तो दम है तो खुदा को भी कहे। महबूब का महबूब कौन? आखिरी वक्त है नबी का
बिस्तर पर लेटे हैं आप, आपने कहा कि मेरे महबूब को बुलाओ, तो किसी ने किसी को भेजा, किसी ने किसी और को भेजा। नबी ने सर उठाया, चेहरा घुमाया, फिर कहा मेरे महबूब को बुलाओ, फिर किसी ने किसी को भेजा, फिर नबी ने चेहरा उठाया, फिर नबी ने कहा मेरे महबूब को बुलाओ। घर के दरवाजे पर शहर एम का दरवाजा नंबर, जनाब अमीर दाखिल हुए, नबी ने देखा कहा ये मेरा महबूब, फिर दुनिया और आखिरत हो। मैं कहूंगा माफ अल्लाह, या नबी अल्लाह मुझे माफ कीजिए, तो एक जुमला बताऊं, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? कहानी इतना कह देते कि मेरा महबूब अली है, अली को बुलाओ, ये मेरे महबूब को बुलाओ, कोई आए चेहरा घुमाए, फिर कोई आए चेहरा घुमाए, फिर कोई आए चेहरा घुमाए, फिर अली को सीने से लगाए, तो नबी कहेंगे मैं खाली हाथ दिखाने नहीं आया हूँ, पार्टी दिखाने नहीं आया हूँ। ईसाइयों को पता ही नहीं कि वो एलिया किसे कहते, एलिया किसे कहते, हिंदुओं को खबर ही नहीं कि आली किसे कहते। बात सबसे कीमती जुमला, अल्लाह कादिर है, कदीर है, क्या सबूत है? ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये सितारे, ये जिंदा होना, मर जाना, सेहत मिलना, बेशक ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। मैं आज जो दलील लेके जा रहा हूं, बिस्तर पर सोचिएगा भाई, ये है अल्लाह की कुदरत अजीम, कि अल्लाह ने भी तय किया कि तुम मुसलमान होके अली के फजाइल छुपाओगे, हम काफिरों से छुपा के दिखाएंगे। क्या है अलामत हक, कौन नहीं मानता? ये भी काबे है, हर मजहब में अली का तसव्वुर है। जितने मजाहिब हैं जो आसमान से आए हैं, जो जमीन पर सफीदा की तरह बनाए गए, उनकी बात नहीं करता, तो आसमान से मजहब आए, हर मजहब में अली है। इसलिए कि जैसे सूरज हर जगह है, नाम बदला हुआ है, तो सूरज पर जाने वाला भी तो हर जगह होगा, कौन नहीं अली को मानता? तो सब हक पे होना चाहिए ना, सब हक पा है का नहीं, 73 फिरके हैं, एक जाएगा। 72 फिरकों में कौन फिरका इनकार अली करता है, कौन नहीं मानता अली को? फर्क क्या है? अकीदा हक को मानने का नाम नहीं है, हक को मानने के साथ बातिल को छोड़ने का नाम है। अली ने मेरी पूरी गुफ्तगू यहाँ पर सुनने के लिए आया, अकीदा हक को मानने का नाम नहीं है, हक के साथ बातिल को छोड़ने का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं जो हक को मानते भी हैं, बातिल को छोड़ते भी हैं। सबूत पूछिए, तवल्ला करके सबूत देते हैं, हक को मानते हैं।
मुसलमान भेज के बताते हैं कि हमको मानते हैं, लानत भेज के बताते हैं कि बातिल को छोड़ते हैं। बातिल को छोड़ना, बातिल को छोड़ना फख्र की बात है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक चाहने वाला छठे इमाम के पास आया, उदास सा चेहरा लिए हुए। हजरत ने कहा उदास क्यों है, गमजदा क्यों? कहा हजरत अभी मैं जा रहा था कि एक आदमी ने कहा वो देखो राजी जा रहा है। क्या सुना आपने? इमाम से इमाम के चाहने वाले ने कहा कि हजरत अभी मैं जा रहा था और पीछे से एक आवाज आई वो देखो राजी जा रहा है। तो कहा तुझे दुख हुआ राजी सुन के? कहा हजरत गम हुआ। कहे गम की बात नहीं है, फख्र की बात है। ये गम की बात नहीं है, फख्र की बात है। कहा हजरत कैसे? कहा तुझे खबर भी है कि राजी किसको कहा और किसने कहा? कुरान ने। तुझे कुरान पढ़ा है, तुझे मालूम भी है सबसे पहले राजी कहने वाला कौन था, तो किनको कहा गया? कहा हजरत आप बोलता हुआ कुरान है, आप बताएं, आप फरमाएं। ये होता है चाहने वाला, मासूम से पीछे रहे, टक्कर करने की कोशिश करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे, ये चाहने वाला। हजरत आप बताएं, आप फरमाएं। तो कहा तूने मूसा का किस्सा सुना है, जब मूसा ने के सामने रस्सियां फेंकी गई और वो सांप बनी। कहा हजरत? का रस्सियों को सांप किसने बनाया? का फिरौन के जादूगरों ने। का फिर मूसा ने क्या किया? का मूसा का असा अजदहा बना, वो अजदहे ने उन रस्सियों को सांपों को निगला। तो का जैसे ही निकला उन जादूगरों ने इकरार ईमान किया, का हम रब्बे मूसा व रब्बे हारून पर ईमान लाए। फिरौन के जादूगरों ने कहा कि हम ईमान लाए, वो मोमिन हुए। का तुझे पता है फिरौन ने क्या कहा? हजरत बताए का फिरौन ने कहा तुम तो राजी हो गए, नहीं फरमाया फख्र की बात है। अरे जो बातिल को छोड़े वो राजी होता है, और जो राजी कहे तो फिरौन। मानने का नाम अकीदा नहीं है, अकीदा बातिल से बड़ा बातिल से दूरी। कुरान में सूरह अहज़ाब में सलवात की आयत का क्या नंबर है? 56 नंबर। आयत नंबर 57 कौन सी है? सलवात के बाद कौन सी आयत है? लानत। सलवात तवल्ले का नाम लानत, तवल्ले का नाम। तो कुरान का अकीदा यह है कि सलवात और लानत है। अच्छा मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ और मुझे टोकिएगा, जरूर टोकिएगा, आप चुपके से टोकिएगा क्योंकि मैं तसी कर दूंगा, मैं इसरार के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं आयत पढ़ता हूँ, बताइए मैंने गलत पढ़ी या सही पढ़ी। आए वाहिदा, अल्लाह ने कहा है मेरे नबी इनसे कहो कि अपनी औरतें लेके अपने घर में जाए। हम अपनी औरतें लेके अपने घर में जाएंगे, अपने बेटे लेके अपने घर में जाए, हम अपने बेटे लेके अपने घर में जाए, कि अपने नस्ले के अपने घर में जाए, हम अपने नस्ले के अपने घर में जाए, ये अपने घर में लानत कराए, हम अपने घर में लानत कराए। सही पढ़ी के गलत? कितना तेज है आपका, कितनी जल्दी बताया आपने गलत पढ़ी। क्या गलत है? औरतें नहीं है कि बच्चे नहीं है कि नस नहीं है, क्या सब है? जाए नहीं है, आए आया, औरतें लेके मैदान में आए, बेटे लेके मैदान में आए, नस लेके मैदान में आए, काहे के लिए? दुश्मन पर लानत के लिए, दुश्मन पर लानत के लिए मैदान में आए। भाई दो ही ऐलान मैदान में हुए, यानी कि विदायत Yeah.
मैदान विलायत भी मैदान में, मेरा लानत भी मैदान में। अच्छा लानत की नौबत आई क्यों? साहब ईसाई आए थे पैगंबर से बहस करने, उन्होंने कहा ईसा खुदा के बेटे, उन्होंने कहा खुदा के नबी। पैगंबर ने एक दलील दी, उन्होंने रद्द की। दूसरी दलील दी, उन्होंने रद्द की। मिजाज कुदरत बरहम हुआ, क्या मेरे हबीब इनसे बहस ना करो, लानत करो। क्यों? जो मासूम की दलील रद्द करे, जो मासूम की दलील रद्द करे वो बहस के काबिल नहीं होता। तो जो मासूमा की दलील रद्द करे, हिंदुस्तान को देख के, तमाम मुसलमानों का माहौल देख के, पर्दा करने वाली औरतें ज्यादा है कि पर्दा न करने वाली? पर्दा करने वाली कम, पर्दा न करने वाली ज्यादा, दाढ़ी रखने वाले ज्यादा, दाढ़ी न रखने वाले ज्यादा। कौन कम? जो दाढ़ी रखने वाले हैं वो कम, जो न रखने वाले वो ज्यादा। तो मैं क्या तब्दील करूं? ये दाढ़ी रखने वालों, क्यों दाढ़ियां चिपकाए घूम रहे हो? क्यों नाइयों के पेट पर लात मार रहे हो? क्यों ब्लेड की कंपनियों का दीवाला निकालने को तुले हो? अरे सबने दाढ़ी रखना छोड़ दी, तुम भी छोड़ो। ये तब्दील करूं? ए दीदियों, ए माँ बहनों, जो चादरें ओढ़े हो, जो पर्दा करती हो, पर्दा करना छोड़ दो। इसलिए पर्दा न करने वाली औरतें ज्यादा है। तुम्हारे पर्दे ही से तो पता चलता है कि बेपर्दा कौन है। क्या तबलीफ की जाए, क्या तबलीफ की जाए भाई? पर्दा करने की कि न करने की, दाढ़ी रखने की कि न रखने की? कज़ाब तबलीफ पर्दा करने की होगी, दाढ़ी रखने की होगी। क्यों? मैंने कहा पर्दा न करने वाली ज्यादा, दाढ़ी न रखने वाली ज्यादा। कज़ाब उनकी ज्यादती बना जाइए, कुरान को देखिए, पर्दा कुरान में है। तो जैसे जमाना कितना ही क्यों ना बदल जाए, तबलीग पर्दे की होगी क्योंकि कुरान में है, तबलीग दाढ़ी की होगी कुरान में है। तो जमाना कितना ही क्यों ना बदल जाए, तबलीग लानत की होगी क्योंकि कुरान में है। मोहब्बत एक में, इसकी मोहब्बत दिल एक है
या पाक की मोहब्बत रखो या नजिस की मोहब्बत, इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये चीज जमा नहीं हो सकती। तो एक कठिन सा मसला था, सच सी बात थी, मैंने अर्ज किया इंशाल्लाह कल से फिर मैं अपने मौजूदात असल के ऊपर आ जाऊंगा कि यह है असली अकीदा। तो करबला में जनाब हुर्री सीरत ने हमें यही अकीदा दिया और इमाम मासूमीन की हदीसों में यही अकीदा दिया। और इधर कौन कर पाएगा मोहब्बत, आले मोहम्मद से मोहब्बत दावा आसान है, बड़ी मुश्किल चीज है अजीजों। हाँ, उनके दुश्मनों के दुश्मन कहलाए यही बड़ी बात हो जाए, वरना मोहब्बत हरेक के बस में नहीं। एक आलिम दीन ने कहा कि सईद ज़ुहैर ने क्या काम किया था करबला में, अगर हम होते तो हम भी यही करते। रात के ख्वाब में देखा कि हजरत सैयद शुहदा तशरीफ लाए, मैदान करबला सजा है, आवाज दे रहे आओ हमारे सामने खड़े होके हमें नमाज पढ़ो। अब जो सामने आए तो कभी तीर से दाई तरफ बचते थे, कभी बाई तरफ, अब जो पीछे मुड़के देखा तो जहरा का लाजला तीरों से छलनी पड़ा। आवाज दी हमारे असाब का मुकाबला न करूंगा, जैसे असाब हमें मिले न हमारे नाना को मिले न हमारे बाबा को मिले न हमारे भैया को मिले। अल्लाह मजलिस के बाद बीबी जैनब के बच्चों का मातम भी है, मातमदारों से गुजारिश है कि रुके ताबूत की ज्यारत भी करें और मातम भी करके जाए, बहुत जरूरी है ये मातम, इसलिए कि दोनों हाथ मिले ही इसलिए है कि मातम किया जाए। अब्बास का आलम सामने हो मातम न हो, अल्लामा मुकद्दस अब्बेली का वाकया किताबों में दर्ज है और हमारे सुना है कि मातमी जुलूस अल्लाह हमको आपको करबला की ज्यारत से मुशर्रफ करे। करबला के मोहल्ला में मातमी जुलूस गुजर रहा है, आवाज मुकद्दस से अटबेली करीब पहुंचे, धीमे धीमे मातम शुरू किया, इतने में अमामा उतारा, अपनी अबा उतारी, अपनी खबा उतारी, उन नौजवानों के बीच वैसे मातम करने लगे जैसे नौजवान मातम कर रहे हैं। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर आपको कभी ऐसे मातम करते नहीं देखा, लोगों ने कहा तुमने वो भी नहीं देखा जो हमने देखा। आपने क्या देखा, कहा हमने बीच मजमे में देखा कि गरीबुल वतन का वारिस हुसैन इब्ने अली का आखिरी वारिस नौजवानों के बीच दोनों हाथों से मातम कर रहा है। वाह गरीबा, वाह मजलूमा, वाह शहीदा। तो बीबी जैनब के बच्चों के ताबूतों की शरीर है। हाँ बीबी जैनब मैं आगाज करता हूँ, इंशाल्लाह रोते हुए उठेंगे और रोते हुए मातम करेंगे। बीबी जैनब पैदा हुई, नाम रखा गया जैनब। मैंने मोतबर उलमा से सुना है, मुतबर से सुना है कि मौला अली बीबी जैनब को अपने सीने पर सुलाते थे, मगर जब घर से बाहर जाते थे, बीबी का सिर 2 या 3 बरस का था। अगर इसको आपने तवज्जो से सुन लिया तो मसाले पढ़ना आसान हो जाएगा, आपके लिए सुनना आसान हो जाएगा। मौला बीबी को सीने पर सुलाते थे, मगर जब घर से निकलते थे तो सारे बच्चों को गोद में लेते थे, बीबी जैनब को गोद में नहीं लेते थे। जब 2 या 3 बरस की हुई तो जब हाथ फैला के बाप की तरफ बढ़ती थी तो मौला अपनी अंगूठी बढ़ाते थे, बीबी जैनब को उंगली थमा देते थे। बीबी जैनब को गोद में नहीं लेते थे, उंगली थमाए घर के आंगन में, इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने। किसी ने पूछा कि हजरत कई बार देखा आप इस बेटी को गोद में नहीं लेते, अजीब जवाब दिया कि मैं जैनब को पैदल चलने का शहजादी जैनब का लकब है और एक बीबी का लकब और है, कहा
मर्यादा रहती है, बोले हैं आवाजों को नीचे रखने का हुक्म नहीं है, आवाजें बुलंद होने का हुक्म है। इसलिए कि जब फजाए में आप नारे लगाते हैं, ताक देते हैं, तो मेरे दिल को ताकत मिलती है, मगर जब चीख के रोते हैं तो हुसैन की मां काबर के फैलों से दुआ लेती है। इधर बच्चे जुड़ा हुए, एक ऐसा और के लगा
सैनिक तो और क्या आलम हो, अरे जिसने अपनी आंखों से भाई के गले पर थोड़ी देर रोते रहे, फिर आवाज दी, ए सैयदा आजादी, ए सैयदा की बेटी, ए अली की शहजादी, उठे उठे, यहाँ नहीं बैठे, उठे उठे में चले, ये कह के बाजू को पकड़ा, हम अभी समान हुए, आवाज भी उठे बेटी उठे, उठे में चले, एक मरतबा शहजादी की आंखों में आंसू आए, आप बोला मेरे लिए आसान आ गए, अल्लाह मेरे लिए आसान आ गए, मैं सहारा दे रहा हूँ, मेरा बाबू छोड़ दे, मेरे लिए सारे आए, अरे तेरी बात क्या है, कावर को हराया, नस्ली का निशान बनाए, तो हसन की लाशें परवाई, तो हसन की लाशें परवाई, तो सकीना की मुझे परवाई।